Planet Bollywood. अमीषा पटेल इन दिनों ट्विटर पर हेट मैसेजेस में जैसे नहा रही हैं। अमीषा पटेल जो लंबे टाइम से स्क्रीन पर तो नजर नहीं आई हैं और कभी कभी अपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से न्यूज में रहती हैं। अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ऐसा करने की वजह से ट्रोल हो रही हैं, जो शायद उन्होंने डेलिबरेटली ही किया है। दरअसल अमीषा ने शार करते हुए अपनी ये पिक शेयर की, जिसमें वो ब्लैक जंप सूट में दिख रही हैं और एंटैंगल्ड चेन्स को पकड़े हुए अपनी शोल्डर लिक कर रही हैं, जिसे देख के मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, ओह नो, व्हाट इज दिस। इस पिक्चर को ऑनलाइन बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं और अमीषा का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्लैक गॉगल्स में अमीषा की इस पिक पर किसी ने लिखा, कपड़े पहन के कौन नहाता है, कपड़े छोड़ो, ऐसे गॉगल्स पहन के क्यों नहा रही हो, देश की नई पूनम पांडे, आर्मपिट्स वैक्सिंग, मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू पोर सम कोल्ड वाटर ऑन माई हेड। अमीषा पटेल ने यूं तो इस पिक को कोट किया, शार लाइक अ टॉक स्टार, जिसका मतलब वही जाने, मगर ये ट्रोलिंग देख के यही लग रहा है कि वो ट्रोल स्टार जरूर बन गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि अमीषा जल्दी सनी देओल के साथ पर्दे पर वापस नजर आएंगी और हो सकता है कि अमीषा इसी मूवी को प्रमोट करने के लिए न्यूज में रहना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऋतिक की मोहनजोदारो को फ्लॉप कहते हुए ये तक कह दिया था कि ऋतिक शुड वर्क ओनली विद हर और कहो ना प्यार है 2 बननी चाहिए। I'm sorry that the film didn't do well, but tag was to come as with a newcomer, लेकिन हर फिल्म ऐसे कामयाबी नहीं पा सकती, यू नो, विद अ न्यूकमर। सो यस, वो जो प्यार बसा हुआ है ऋतिक और मेरे लिए साथ में, कहो ना प्यार है 2 बनेगी तो बम्पर ओपनिंग ही मिलेगी फॉर श्योर। वेल अमीषा, वी विल जस्ट से कीप ट्राइंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।